रामपुर शहर स्थित भारत गार्डन में जिले के ग्राम प्रधान और सचिवों के साथ हुई कार्यशाला में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास को लेकर बारीकी से समझाया। कार्यशाला में 62 ग्राम प्रधान रहे गैर हाजिर, सितंबर माह का मानदेय काटने के निर्देश। गैर हाजिर प्रधानों की ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की होगी जांच। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2023 के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत अभियान को जिले में अत्यंत गंभीरतापूर्वक प्रभावी बनाए जाने के दृष्टिकोण से रामपुर में बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में जिले के सभी ग्राम प्रधान और सचिवों के साथ वृद्ध कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों और सचिवों को सरकार की मंशा और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। जिलाधिकारी ने कहा, इन गैर हाजिर प्रधानों द्वारा कार्यशाला में भाग न लेने का सीधा मतलब ये है कि उनके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में या तो विकास कार्यों को प्राथमिकता से प्रभावी नहीं बनाया गया अथवा कार्यों को कराए जाने के दौरान अनियमितता बरती गई, इसलिए इन ग्राम प्रधानों ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच होगी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद प्रधान और सचिवों से कहा कि 15 अक्टूबर तक गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं और 2 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाकर जाए ताकि संक्रमक बीमारियों पर रोकथाम संभव हो सके और एक साफ सुथरा माहौल विकसित हो सके। अभियान का एक वो किया गया है सर, क्या देखिए स्वच्छता ही सेवा ये अभियान भारत सरकार का है और जिसमें पूरे भारतवर्ष में गंदगी को लेकर गंदगी हटाओ के नारे के साथ में हम लोग कार्य करते हैं। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो कचरा मुक्त भारत रखी गई है और कहीं भी किसी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा ना दिखे, कचरा ना दिखे और सफाई का एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए। तो इसीलिए आज हमने सारे जनपद के प्रधानों की, हमारे सभी सचिवों की, सभी खंड विकास अधिकारी, निर्देशक अधिकारियों की कार्यशाला यहाँ बुलाई थी और ना केवल स्वच्छता के बारे में, कचरा मुक्त भारत अभियान के बारे में उनको बताया गया है, बल्कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के का जो ध्येय है जन प्रथम, नागरिक प्रथम, यानी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर उसकी समस्या का समाधान करना, उस ध्येय के साथ में सब लोग आगे बढ़े, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण में, पंचायती राज में, ग्राम्य विकास में, जो जो जिम्मेदारी पंचायतों की निर्धारित की गई है सारे प्रधान उसको बहुत अच्छे से निभाएं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सारे सेक्रेटरी काम करें और अगर ये भी बताया गया है कि इन सब चीज़ों में शिथिलता फिर भी अगर पाई जाती है, कहीं किसी नागरिक को ने इनको अप्रोच किया किसी काम के लिए और होने लायक काम है उसके परेशान किया गया, लटकाया गया, तो उसमें फिर कार्रवाई के लिए तैयार हैं प्रधान की प्रधानी भी हम लोग 95/6 में समाप्त करेंगे और जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हम लोग सस्पेंड करेंगे अगर काम नहीं करेंगे। तो काम करें, काम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे, कई पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी हम लगातार करते हैं, ऐसे प्रधानों को भी हम लोग साधुवाद देते हैं, ऐसे सचिवों को भी साधुवाद देते हैं, लेकिन व्यवस्था का विरोधी बनके अगर जनता को भटकाने का काम कोई करेगा तो उसके लिए हम लोग दंड का भी प्रावधान करने जा रहे हैं।